मन बनाने के लिए सबसे पहले मेथी को हमने धोकर यहाँ पर काट लिया है, इसे फाइन चॉप कर लिया है। एक बड़े साइज के अनियन को हमने यहाँ पर फाइनली चॉप कर लिया है। यहाँ हम ले रहे हैं ग्रेटेड जिंजर एंड गार्लिक, दो ग्रीन चिली को चॉप कर लिया है यहाँ पर 150 ग्राम। यहाँ हम पनीर ले रहे हैं जिसे हमने हाथों से क्रश कर लिया है, आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। 3 बड़े टमाटर की प्योरे, 1 टीस्पून जीरा ले रहे हैं, 2 पिंच हींग ले रहे हैं जिससे इसका स्वाद बहुत अच्छा बनता है, और सारे सूखे मसाले ले रहे हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर एंड धनिया पाउडर। 100 ग्राम हम यहाँ ले रहे हैं दही, नमक स्वादानुसार, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इसे ड्रेसिंग के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पर क्रीम। सबसे पहले एक पैन में 4 टेबल स्पून ऑयल डालते हुए हाई फ्लेम पर हम उसमें जीरा ऐड कर रहे हैं। अब इसमें हम हींग डालते हुए अनियन डाल रहे हैं, और अनियन को हम हाई फ्लेम पर ही कुक कर रहे हैं जब तक कि लाइट पिंक कलर का नहीं हो जाता। इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। इसमें हम ऐड कर रहे हैं जिंजर एंड गार्लिक, इसे भी हम कुक कर लेंगे अच्छे से। एक दो मिनट कुक करने के बाद इसमें हम ऐड कर रहे हैं ग्रीन चिली एंड सूखे मसाले, उसे कुछ सेकंड के लिए हम सॉटे कर लेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं टमाटर की प्यूरी। इसे हाई फ्लेम पर ही कुक कर रहे हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं मेथी। मेथी आज का मेन इंग्रेडिएंट है। मेथी को हम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे 3-4 मिनट के लिए। पर हमें अभी इसे और कुक करना है, इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा पानी ताकि ये और सॉफ्ट बने। इसमें हमने डाला है 1/2 कप पानी। अब इसे 3-4 मिनट्स के लिए और कुक करेंगे। अच्छे से हमारी मेथी बनके तैयार हो चुकी है, जिसमें हम ऐड कर रहे हैं दही। दही से इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसमें नमक ऐड करते हुए हम इसमें पनीर ऐड कर रहे हैं। पनीर को हम यहाँ पर थोड़ा कुक कर लेंगे। गरम मसाला डालते हुए इसे थोड़ी देर के लिए और कुक कर लेंगे इसे। हमारा मेथी चमन बनके तैयार हो चुका है। अब इसे हम गर्म गर्म सर्व करेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बना है। बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी है, जिसे एक बार आप जरूर ट्राई करें। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।